जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई का धमाका। जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा इंटरव्यू। इंटरव्यू में किए बड़े बड़े खुलासे, और लॉरेंस के खुलासे सबसे पहले हम आपको राजस्थान तक पर बताएंगे। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मरवाया। जी हाँ, ये भी सही सुन रहे हैं आप। जो बात आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, आज लॉरेंस ने इस बात से इनकार कर दिया। लॉरेंस ने क्या खुलासे किए ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए सिद्धू मूसेवाला के मामले में उसने क्या कहा। जब पत्रकार ने लॉरेंस से पूछा कि उसने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवाया, तो लॉरेंस का जवाब था, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। लेकिन उसने कहा कि उसकी इस बात पर गोल्डी बरार और सचिन से बात हुई थी। मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग तो चल रही थी, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं था। गोल्डी बरार ही मूसेवाला को मरवाना चाहता था, और इस बात पर मूसेवाला की हत्या से पहले गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की बहस भी हुई थी। तो क्या वाकई मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस शामिल नहीं था? ये बात तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि लॉरेंस ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि मूसेवाला भी कोई दूध का धुला नहीं था। ऐसा कोई मौका नहीं होगा जब मूसेवाला ड्रग्स, हथियार और हिंसा को प्रमोट ना करता हो। मूसेवाला एक खालिस्तानी समर्थक था और वो कोई संत नहीं था। उसके पंजाब के तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से भी अच्छे रिश्ते थे, जिसके दम पर वो पंजाब में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पंजाब के ही बठिंडा जेल में बंद है, जहां पंजाब पुलिस का कड़ा पहरा है। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉरेंस ने इंटरव्यू इसी जेल में दिया है, लेकिन पंजाब पुलिस ने इस बात से साफ तौर पर मना कर दिया है और कहा है कि ये इंटरव्यू राजस्थान का है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने भी इस बात से इनकार करते हुए कहा है कि लॉरेंस को राजस्थान में ना तो किसी से मिलने दिया गया और ना ही मीडिया से बात की। तो सवाल उठता है कि ये इंटरव्यू कहीं आसमान या पाताल में तो नहीं हो गया। यहाँ पे पंजाब जेल्स का तो नहीं है ये कहीं पे भी, या क्योंकि वक्त एजेंसी को ले जाते हैं, रिमांड में ले जाएंगे, तो हो सकता है वहीं से कहीं से हुआ, मगर बठिंडा जेल और पंजाब के किसी भी जेल से ये रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है। ये पुराना वीडियो है ये, और अभी लेटेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं और सिक्योरिटी काफी हमारी यहाँ पे टाइट रहती है। खैर, अब बढ़ते हैं लॉरेंस के अगले खुलासों की तरफ। लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगते हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक है, लेकिन अब लॉरेंस ने इस बात से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लॉरेंस ने इंटरव्यू में कहा कि वो खालिस्तान का कट्टर विरोधी है और एक सच्चा हिंदुस्तानी है, और अगर मौका मिला तो वो जरूर देश के लिए काम करेगा। लॉरेंस ने कहा कि उसे अपने देश से बहुत प्यार है और वो कोई क्रिमिनल, आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं है। खैर, इन सब के अलावा लॉरेंस ने सलमान खान पर जो कहा वो आपके होश उड़ा देगा। जब रिपोर्टर ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी वाला सवाल पूछा, तो लॉरेंस का जवाब था, सलमान खान ने उस हिरन को मारा जिसकी हमारे समाज में पूजा होती है। सलमान खान ने हमारे समुदाय का बहुत अपमान किया है और अब तक माफी भी नहीं मांगी है। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो उसे अंजाम भुगतने को भी तैयार रहना होगा। इसके लिए मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब लॉरेंस के इन खुलासों ने एक बार फिर बड़ा धमाका मचा दिया है। इंटरव्यू के बाद से ही चारों तरफ लॉरेंस के चर्चे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब लॉरेंस इतने संगीन मामलों में जेल में बंद है तो इंटरव्यू कैसे दे सकता है। बहरहाल, चलते चलते लॉरेंस के इंटरव्यू की एक आखिरी बात भी आपको बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे तमाम मुकदमों और आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि कॉलेज के वक्त से ही उसे गलत मुकदमों में फंसाकर जेल में रखा गया है। अब वो बाहर आना चाहता है और मौका मिला तो बिश्नोई समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।